आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, क्या आप भी अपने मोबाइल फोन के अंदर अपना माइक्रोसॉफ्ट का आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो कैसे आप बना सकते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट का नया अकाउंट कैसे बनाते हैं। जैसे अगर आप सैमसंग का मोबाइल फोन यूज करते हैं तो आपके पास एक एप्लीकेशन आया होगा ऑन ड्राइव के नाम से, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट, और यहां पर आपको देखने को मिलता है सिंग इन, और यहां पर मिल जाता है आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन। तो अगर आप यहां पे अपना माइक्रो अकाउंट आप यहां पे क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो कैसे आप बना सकते हैं, अगर आप इसे जानना चाहते हैं कि यहां पे माइक्रो अकाउंट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होता क्या है। तो यहां से मैं आपको बताता हूं, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एक यहां पे एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पे अपना सारा का सारा डेटा आप स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि एक आपको क्लाउड के तरीके काम करता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के विंडो होते हैं, विंडो 8, विंडो 7, विंडो 9, विंडो 10, यानी कि इनके अंदर इतना सारा डेटा स्टोर किया जा सकता है, और आपका जितना सारा डेटा होता है वो आपका इंटरनेट पे स्टोर हो जाता है, और आप अपने उस डेटे को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने डेटे को अपने मोबाइल फोन के पास रखते हैं और अपने मेमोरी कार्ड में रखते हैं या अपने पेन ड्राइव में रखते हैं, तो क्या होता है कभी आपका पेन ड्राइव खराब हो जाता है, या आपका मोबाइल फोन यहां पर खराब हो जाता है, या अपने मोबाइल फोन को आप रिसेट मार देते हैं तो आपका सारा डेटा डिलीट हो जाता है, जैसे फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स। अगर आप यहां पर अपने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप एक बार अपलोड कर देंगे, सेव कर देंगे, तो वो हमेशा के लिए आपके लाइफ टाइम के लिए आपका डेटा सेव हो जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे आप अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे आपने क्लाउड देखा होगा, या आपने देखा होगा यहां पे जैसे देखने को मिल जाता है हमारे पास ड्राइव, यानी कि एक ड्राइव भी एक ऐसा ही यहां पे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना बहुत सारा डेटा आप स्टोर करके रख सकते हैं। उसी प्रकार आपको यहां पे माइक्रोसॉफ्ट मिल जाता है अपने डेटा को स्टोर करके रखने के लिए, और हमेशा आप इंटरनेट पे अपने डेटा को कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और कहीं से भी, सिर्फ आपको अपना अकाउंट और पासवर्ड पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसे क्रिएट करेंगे। एक तो यहां पे मेथड है कि अगर आप यहां पे कंप्यूटर पे क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको क्रोम ओपन करना है। जैसे आप क्रोम ओपन करेंगे यहां पे आपको अपना सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट, जैसे हम आपको दिखाते हैं, यहां से हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहां पर आपको क्या सर्च करना है, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट, तो देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट, मैं इसे सर्च करता हूँ। जैसे आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपको ब्लर कर हो गया हमारा, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज आएगा, और आपके सामने इस तरह का देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखने को मिलेगा क्रिएट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्रिएट यानी कि आप नया बनाना चाहते हैं, तो आपको पे क्लिक करना है, और आपके सामने वही आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं हमारे सामने वही आ चुका है। इसी प्रकार अगर आप अपने मोबाइल फोन के अंदर आप वन ड्राइव ओपन करते हैं तो वहां पर भी आपको इसी तरह का देखने को मिल जाता है, और यहां पे जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बिल्कुल सेम वही आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहां पे बनाना चाहते हैं तो यहां पे बना सकते हैं, अगर वहां पे बनाना चाहते हैं तो वहां पे बना सकते हैं, पर आपका यहां पे अकाउंट एक ही रहेगा। आप यहां पर भी लॉगिन कर सकते हैं, और अपने कंप्यूटर के अंदर भी, और कहीं पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहां पे देखने को मिलेगा क्रिएट अकाउंट, आप यहां से अपना आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर दीजिए, और यहां पर आपको अपना कंट्री कोड फिलअप कर देना है। अगर आप ईमेल आईडी का यूज करना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा यूज योर ईमेल एड्रेस, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिलअप कर देना है, और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी फिलअप कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप कर दिया है, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है जो किसी को भी पता न चले। तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड फिलअप कर लिया है, और उसके बाद अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको शो पासवर्ड पे क्लिक करना है, आपका पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी पर एक कोड आएगा, वो यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो हम अपना यहाँ पे ईमेल आईडी चेक करते हैं और देखते हैं हमारे ईमेल आईडी पे कोड आया है या नहीं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हमारे ईमेल आईडी पे कोड आ चुका है, तो यहाँ पे आपको अपने उसी मैसेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस मैसेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, तो आपको यहाँ पे मैसेज देखने को मिल जाएगा, 95 और 22, यही आपको कोड वहां पे फिलअप करना पड़ेगा, 95
हम फिलअप कर देते हैं 95 और 22, और उसके बाद यहाँ पे आपको इस पर टिक लगाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा नेक्स्ट करने का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ सेकेंड का आपको यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे देखने को मिलेगा क्रिएट अकाउंट और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट करने का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे अब आपको यहाँ पे डन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ फिलअप करना पड़ेगा, आपको देखने को मिलेगा एक रिपोर्ट तो आपको इसे फिलअप करना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे इसे कुछ यहाँ पे डन कर देते हैं, जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से ट्राई अगेन करना है और यहाँ पे आपको एक कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा। तो हम इसे यहाँ पे फिलअप कर लें, मैंने यहाँ पे अपना कैप्चा फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ एक नया पेज आएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और आपका जो अकाउंट होगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे आपका क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ सेकेंड का वेट करना है और आपका यहाँ पे अकाउंट पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आएगा और यहाँ पे आप अपना कोई भी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको इसे यहाँ पे बैक कर देना है, आपको प्रीमियम फीचर अभी यूज नहीं करना है, बाद में आप यहां पे अपना प्रीमियम फीचर यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा सेटिंग और यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा फाइल, फोटोज और यहां पे आपका अकाउंट। अगर यहां पे आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइल पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारा फाइल निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पे किसी भी फोटो को अपलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो आपको इमेजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसे ऑन कर देना है। जैसे आप इसे ऑन कर देंगे आपका यहाँ पे जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। अगर यहाँ से आप अपलोड नहीं कर पाते हैं अपना, आपको गैलरी ओपन करना है। जैसे आप गैलरी ओपन करेंगे यहाँ से आप किसी भी फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट में यानी कि आप वन ड्राइव में, तो आप यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका वन ड्राइव, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना फोल्डर चूज कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सही वाले टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वो फोटो आपका आपके वन ड्राइव में अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम अपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाते हैं और अपने वन ड्राइव को यूज करते हैं और उसके अंदर अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा आज आपको पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।